हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट, बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ है। वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग के रिक्रूटमेंट हो रहा है 2019 में। इसका डिटेल मैं यहाँ पर आप लोगों को दूंगा, जिस के थ्रू आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि एप्लीकेशन शुरू हो गया है फेब्रुआरी 2019 से, लास्ट डेट है इसका 25 फेब्रुआरी 2019। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देते, जब भी आप अप्लाई एप्लीकेशन करेंगे, आपको जो लोग जनरल ओबीसी है उन लोगों के लिए 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। SC ST के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को बता देते एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट रहेगा 18 से 40 ईयर्स तक, और एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स। फॉर कंप्लीट पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी मस्ट रीड द नोटिफिकेशन। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट दिया हुआ है उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे है जूनियर क्लर्क के लिए, जिसका वैकेंसी है 170। उसके बाद है स्टाफ कार ड्राइवर, जिसका वैकेंसी है 9। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 12 वैकेंसी है। वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए 32। वार्ड सहायक के लिए 24। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 385। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल के लिए 385। लेबोरेटरी अटेंडेंट OT काम एंथेसियस के लिए 28। PGT हिंदी के लिए 1। TGT इंग्लिश के लिए 1। TGT मैथमेटिक्स के लिए 1। TGT उर्दू के लिए 1। TGT हिस्ट्री के लिए 2। TGT होम साइंस के लिए 1। TGT संस्कृत के लिए 1। TGT फिजिक्स के लिए 1। TGT टीचर के लिए 5। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 5। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कि ऑफिस ऑफ द रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट ऑफ असेसमेंट सेल हॉलकर हाउस BHU वाराणसी 22100 उत्तर प्रदेश। आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन में जाके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। उस लिंक को आप क्लिक करके इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते। डाउनलोड करने के लिए करने के बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ जो एड्रेस मैं बोला अभी, उस एड्रेस में आपको वहाँ पे सेंड करना होगा आपका एप्लीकेशन। तो दोस्तों, इस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो जो रिक्रूटमेंट निकला उसका। अगर आप लोगों को पसंद आए ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन एंड डाउट रहता है तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।